हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल स्काई चैनल और मैं हूं अम्बर तिवारी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गुड न्यूज़, बिकॉज आज मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट है और यदि आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो गाइज़ हम स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दी हुई हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारी और एक हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जिसके थ्रू आप जाकर इसके डिस्क्रिप्शन को डाउनलोड कर सकते हैं या इस रूल बुक को नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर मैंने अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करके रखी है और टाइम टू टाइम मैं वहाँ पर आपको वेरियस स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते रहूँगा और हमारे अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन भी उन चैनल्स और उन ग्रुप पर मैं डालता रहूँगा। तो उस ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ उस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं DFCCIL के रिक्रूटमेंट को, जो कि कहलाता है डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए गाइज, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये एक रेलवे सबॉर्डिनेट है। रेलवे सबॉर्डिनेट का मतलब ये है कि यह एक रेलवे के अंदर काम करने वाली कंपनी है और यदि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट पर या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं तो आप इनडायरेक्टली ये रेलवे के एम्प्लॉय ही कहलाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, या मैं बात करूँ सबसे पहले, यहाँ पर तीन तरह की वैकेंसीज निकली हुई हैं। एग्जैक्यूटिव वैकेंसीज निकली हुई हैं, जूनियर एग्जैक्यूटिव वैकेंसीज निकली हुई हैं और मल्टीटास्किंग वैकेंसीज निकली हुई हैं। यदि हम बात करें एग्जैक्यूटिव लेवल पर, तो 330 एग्जैक्यूटिव पोस्ट हैं, 349 जूनियर एग्जैक्यूटिव पोस्ट हैं और मल्टीटास्किंग के लिए 499 पोस्ट हैं। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट भी है पोस्ट का, जिनके लिए आप फाइट कर सकते हैं। बट मैं बता दूं कि ये जो पोस्ट हैं ये ऑल इंडिया लेवल पर पोस्ट हैं। यदि हम आगे बढ़ें और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो हमें याद रखना होगा कि जो स्टार्टिंग डेट है इस रिक्रूटमेंट की वो है 1 अगस्त और जो क्लोजिंग डेट है वो 31 अगस्त है। तो करीब एक महीने का टाइम है आपके पास इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 1 से 5 अक्टूबर के बीच होंगे और ये CBT होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है दोस्तों। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। तो देखिए, तीन तरह के पोस्ट हैं, इसीलिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबके लिए इंडिविजुअली अलग अलग है। यदि आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर एक CBT होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होना है जो कि रेलवे में होता है हमेशा, और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड फाइनली विल बी गेट सिलेक्टेड एज एन एग्जीक्यूटिव इन DCCIL में। यदि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए फाइट कर रहे हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिर्फ एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, एंड देन विल बी सिलेक्टेड एज जूनियर एग्जीक्यूटिव। और यदि हम बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एक CBT होगा और CBT के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो CBT होना है वो एग्जीक्यूटिव के लिए CBT का सिलेबस अलग होगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अलग है और मल्टीटास्किंग के लिए CBT का सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यदि हम बात करें एग्जीक्यूटिव के CBT एग्जीक्यूटिव टेस्ट के लिए, तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले टोटल 120 क्वेश्चंस आने हैं और ये 2 आवर्स का एक पेपर होने वाला है, 2 आवर्स 120 क्वेश्चन। इसमें से 96 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड होंगे। सब्जेक्ट बेस्ड का मतलब ये होगा गाइस कि जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट अलग अलग डिसिप्लिन में डिवाइड हैं, उन डिसिप्लिन को अभी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा। तो यदि आप जिस भी स्ट्रीम से, जिस भी सब्जेक्ट से फिल करेंगे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, उससे रिलेटेड 96 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 12 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 12 क्वेश्चन होंगे। इस तरह टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 0.25 माइनस मार्किंग भी है, यह हमें याद रखना होगा। यदि हम बात करें सिलेबस की जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, तो यहाँ पर भी 120 क्वेश्चन हैं और 2 आवर्स का ही टाइमिंग है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एंड टेक्निकल एबिलिटी आएगी। ये 5 चीज़ें आपके सिलेबस में रहेंगी, इन 5 चीज़ों में ही 120 क्वेश्चन इक्वली या नॉट इक्वली डिवाइड होंगे। यदि हम आगे बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ में, तो मल्टीटास्किंग में भी 120 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स का ही टाइम होगा और यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम होंगी जूनियर एग्जीक्यूटिव की तरह, बस जो क्वेश्चन के लेवल होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं गाइज। यदि हम बात करें फॉर्म फीस की,
तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए सॉरी एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म फीस है 900 रुपीज़, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए होगी 500 रुपीज़ फीस गाइज। तो दोस्तों ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की। चलिए भाई हम एक बार देख लेते हैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन और उस नोटिफिकेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन को यदि हम देखें तो आपको याद रखना होगा कि ये जो पोस्ट है DFCCIL की, ये एक भारत सरकार का उपक्रम है जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटरप्राइज है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो आप यहाँ पर ये डेट्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए गाइस पहचान में तो ये नोटिफिकेशन आपको आपके ग्रुप पर मिल जाएगा, जो ग्रुप में की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखी हुई है। आइए हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट कुछ किस तरह है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है सबसे पहले सिविल डिसिप्लिन में है, इसकी जो सैलरी होगी वो 12,600-32,500 है। इसका मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की इनहैंड सैलरी बेसिक पे 12,600 है, तो आपकी इनहैंड सैलरी 32,000 के अप्रॉक्स जाने वाली है। इसमें यदि हम बात करें यहाँ पर तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का सिविल इंजीनियरिंग से या यहाँ पर दिए हुए किसी भी और डिसिप्लिन से। और यदि हम बात करें एज लिमिट की तो 18 से 30 साल तक यहाँ पर एज लिमिट है और इसमें कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होना है। इसके अलावा हम बात करें एग्जीक्यूटिव तो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में भी है। ग्रुप पे बैंड की हम बात करें तो पे बैंड सेम है। यदि हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 39 पोस्ट हैं, यहाँ पर भी 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा हुआ है इंस्ट्रूमेंटल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में। और जो एज लिमिट है वो 18 to 30 ईयर्स है और यहाँ पर भी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना है। यदि हम आगे बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी है, यहाँ पर 97 पोस्ट हैं और 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए और 18 to 30 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट है और कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन में है जो कि स्टेशन मास्टर की लेवल की पोस्ट होगी, पे बैंड सेम है और यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी गई है जिसमें 60% होने चाहिए आपके। देखिए गाइस यहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, कोई भी ग्रेजुएशन हो सकती है। एज लिमिट 18 to 30 और कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर एक टेस्ट है।